नमस्कार दोस्तों, आज हमारे गैराज में आई है देखिए TVS की XL 100। और इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसको स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करने के बाद ये स्टार्ट हो जाती है, लेकिन ये इसको बंद कर देते हैं। बंद करने के लिए ये बंद ही नहीं होती है। मैं एक बार चालू करके आप लोगों को दिखा दूँ। देखिए हमारी गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है, बटन लेंगे सब कुछ सही चलेगा, लेकिन जैसे हम इसके बटन को प्रेस करेंगे, ये देखिए हमने बंद किया, चाबी निकाल ली, कोई भी इसमें ये देखिए इग्निशन ऑफ करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता इसमें। देखिए तो इसको बंद करने के लिए हम क्या करना पड़ता है, हमें यहाँ पे अपने अडाप्टर को निकालना पड़ता है। देखिए इस तरह से अडाप्टर को निकालना पड़ता है बंद करने के लिए। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें कहाँ पे जाना पड़ेगा, हमें सबसे पहले यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे जाना पड़ेगा। ये वायरिंग जो हमारी टूटी रहती है, देखिए यहाँ पे एक हमारी जो यहाँ पे हल्का सा ये तार है, देखिए यहाँ पे टूट चुकी है, इस वजह से जो प्रॉब्लम है। तो इसको अपन ज्वाइंट करेंगे और ज्वाइंट करके इसको प्रॉब्लम को सॉल्व करके दिखाते हैं आप लोगों को। देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पे अपनी तार को अच्छी तरह से ज्वाइंट कर लिया है, और चलिए इसको स्टार्ट करते हैं, बंद करके आप लोगों को दिखाते हैं प्रॉब्लम। दोस्तों इग्निशन ऑन करते हैं गाड़ी को स्टार्ट करके। देखिए गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है, तो देखिए जैसे हम इग्निशन ऑफ करते हैं हमारी गाड़ी बंद हो जा रही है। देखिए एक बार फिर से स्टार्ट करके दिखा दें, इस तरह से प्रॉब्लम रहती है, प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। हमारी यहाँ पे जो वायरिंग रहती है, वायरिंग को ज़रूर से चेकआउट करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।